बिग स्क्रीन में आपका स्वागत है। इंडियन आइडल 12 के कंटेस्टेंट रहे सिंगर पवनदीप राजन और अरुणिता कांजीलाल की कुछ फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इन तस्वीरों में दोनों शादी के जोड़े में नजर आ रहे हैं। दोनों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने गुपचुप तरीके से शादी कर ली है, हालांकि इन तस्वीरों की सच्चाई कुछ और ही है। बता दें कि पवनदीप राजन और अरुणिता कांजीलाल के ब्रेकअप की खबरों के बाद इनके फैंस बेहद दुखी थे। हो सकता है उन्हीं में से किसी ने उनकी तस्वीरों को एडिट करते हुए ये काम किया है। अरुणिता पवनदीप को साथ देखना चाहते हैं फैन। पिछले हफ्ते ही ये खबर आई थी कि पवनदीप राजन और अरुणिता कांजीलाल का ब्रेकअप हो चुका है। इस खबर से उनके फैंस काफी निराश थे। जब से पवनदीप राजन और अरुणिता कांजीलाल के ब्रेकअप की खबर सामने आई है, तभी से इनके फैंस सोशल मीडिया पर बोल रहे हैं कि वो उन्हें साथ में देखना चाहते हैं। बता दें कि पवनदीप राजन और अरुणिता कांजीलाल की जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं, वो इनके किसी फैन ने ही एडिट करके बनाई हैं। हालांकि इन तस्वीरों पर अभी तक पवनदीप राजन और अरुणिता कांजीलाल की तरफ से कोई भी रिएक्शन नहीं आया। पवनदीप विनर रहे तो अरुणिता रही फर्स्ट रनअप। बता दें कि इंडियन आइडल 12 की मशहूर कंटेस्टेंट अरुणिता कांजीलाल कोलकाता की रहने वाली है। वो जी बैंगला टीवी शो सारेगामापा लिटिल चैंप्स 2013 की विनर भी रह चुकी हैं। पूरे शो के दौरान अरुणिता के साथ उत्तराखंड के रहने वाले पवनदीप राजन का नाम जोड़ा जाता रहा। पवनदीप राजन जहां सीजन 12 के विनर बने, वहीं अरुणिता कांजीलाल फर्स्ट रनर अप रही। जीत के बाद पवनदीप ने एक एंटरटेनमेंट साइट से बात करते हुए कहा, मैं बहुत अच्छा फील नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि इस ट्रॉफी के सभी हकदार थे, सभी ने अपनी तरफ से बेहतरीन परफॉर्मेंस दी थी। सो गाइस, क्या कहना है आपको अरुणिता और पवनदीप के लिए, प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। और देखते रहिए बिग स्क्रीन।